हमारे भाग्य में जो नहीं है वो आकर के भी चली जाएगी, और जो है उसे आना ही पड़ेगा, भले ही विलंब लग सकता है। हमारे भगवान ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा है, और शायद इसीलिए इंतजार का फल मीठा होता है। और इसी बात को चरितार्थ करते हुए आज हम समझने वाले हैं आपके मेष राशि के मेष लग्न के जीवन पर। वास्तव में सन 2023 में जो जुलाई का महीना प्रारंभ हो गया है, इस जुलाई के महीने में ऐसा क्या होने वाला है आपके जीवन में जो आपको विशेष रूप से परिवर्तित कर सकता है आपके जीवन को। एक एक बात को समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। आपके मेष राशि के अनुसार आप सबसे बड़ी बात तो ये समझिएगा कि अभी ये ठीक 6 महीना समाप्त हो गए हैं सन 2023 में। अब 23 का सिर्फ 6 महीना बचा हुआ है, और इस 6 महीने के दरमियान सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी कि इसी जुलाई महीने में श्रावण मास का वो शुभ महीना प्रारंभ हो जाएगा, जो भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना का समय होगा। प्रारंभ करते हैं क्रम बाई क्रम, एक एक ग्रह को समझते हैं। सबसे पहले सूर्य को समझेंगे, फिर मंगल को समझेंगे, जो आपके जीवन में आपके लग्नेश हैं, साथ में आपके धन की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी शुक्राचार्य जी महाराज होते हैं। पंचम भाव आपके प्रेम, आपके शेयर मार्केट, और आपके जीवन में आपके संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। छठे भाव को जानने का प्रयास करेंगे, जो आपके स्वास्थ्य, आपके कर्जों के विषय में बताएगा, आपके बिजनेस, और साथ में आपके भाग्य, आपके कर्म, आपके लाभ और आपके हानि। एक एक पॉइंट को हम लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जुलाई का महीना, आप ये मानिए कि एक ही वीडियो में आपको पूरे महीने की जानकारी हो जाएगी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पूरा समझें, पूरा देखिए, ताकि आप अधिकाधिक अपने जीवन को लाभान्वित कर पाएं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के जो शासक माने गए हैं भगवान सूर्य। यही भगवान सूर्य कौन है? तो आपके जीवन में मेष राशि के जीवन में, मेष लग्न के जीवन में, ठीक ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव वो स्थान हो गया जिस भाव के स्वामी सूर्यदेव हो गए। ये स्थान आपके प्रेम का है। हमारे हृदय में यदि प्रेम की जागृति हो जाती है, जरूरी नहीं कि किसे स्त्री पुरुष के मध्य ही प्रेम हो, एक माँ और बेटे के मध्य भी प्रेम हो सकता है, एक भाई बहन के बीच प्रेम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात माना गया है, प्रेम जगत में सार है और बाकी सब बेकार है। इस हिसाब से यही सूर्य आपके जीवन में पंचमेश होते हैं। आज गोचर के दौरान यही सूर्य 17 जुलाई 2023 तक ये मिथुन राशि में रहेंगे, मतलब मेष राशि से ठीक तीसरे भाव पर सूर्य देवता गोचर करेंगे, जो आपके पंचमेश। ध्यान से समझिएगा, अब जब पंचमेश तीसरे घर पर जाएंगे तो सीधा ये मानिए एक प्रकार से रोशनी, सूर्य काहे के ग्रह माने गए हैं, रोशनी के ग्रह माने गए हैं। सारे संसार को यदि कहीं पर रोशनी प्राप्त होती है, दिव्यता प्राप्त होती है हमारे जीवन में, अंधकार को मिटाने का सबसे सुचारू जो ढंग माना गया है, सबसे उत्तम उपाय माना गया है, यही तो है भगवान सूर्य। और यही सूर्य जब तीसरे भाव में आते हैं, आपके साहस, आपके पराक्रम और आपके हिम्मतों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि सूर्य जहाँ पर होते हैं वहाँ राजा होता है, और राजा जब साहस पे आते हैं तो हमारे हिम्मत कैसे कमज़ोर होंगे भाई। यदि हमारे जीवन में आर्थिक विषमता या पारिवारिक विषमता या किसी प्रकार से हमारे जीवन में कष्ट बने हुई हैं, तो ये माने कि 17 जुलाई का डेट को बड़े ध्यान से समझिएगा, 17 जुलाई तक हिम्मत में बढ़ोतरी रहेगी। भूलना नहीं है, यहीं पर बुध भी बैठे हुए हैं, जो ये बुध कहाँ के मालिक हैं आपके जीवन में, स्वयं ये तीसरे घर के मालिक तीसरे भाव पर ही बैठे हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि बुध अपने भाव, अपने स्वयं के भाव पर हैं। जब कोई ग्रह अपने स्वयं के भाव पर हो तो कितना अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ पर यही सूर्यदेव बुध के साथ मिलकर के बुधादित्य नाम का एक राजयोग बना दिए। इस राजयोग के फलस्वरूप हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि क्या कहना चाहिए, तीसरा भाव होता है आपके साहस के साथ साथ आपके विवादों से मुक्ति का, विवादों का भाव आप तीसरा भाव है ऐसा मानिए। किसी प्रकार से अनुबंध, यदि आप कोई अनुबंध करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर एक अनुकूल समय यहाँ पर सूर्य देंगे। अनुबंध का तात्पर्य यह हो गया किसी से एग्रीमेंट करना, किसी यात्रा पर जाना, क्योंकि तीसरा भाव ही हमारा यात्रा होता है। इन सब भावों पर आपके पंचमेश होकर के यहाँ पर अच्छा फल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यही पंचम भाव ही हमारे शेयर मार्केट भी होते हैं।
तो जब शेयर मार्केट भाव के स्वामी सूर्य तीसरे घर पर होंगे, मतलब हमको शेयर मार्केट संबंधी हमारे कार्य अच्छे से बनने प्रारंभ हो सकते हैं इस टाइम पर। 17 जुलाई तक है तो आप देखेंगे शेयर मार्केट में भी एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हमारा पंचमेश जब तीसरे घर पर हो तो ये मानिए कि संतान, हमारे जो संतान हैं इन संतानों में भी कुछ साहस और पराक्रम की वृद्धि हो सकती है। हो सकता है हमारे संतान, हमारे जो बच्चे हैं, ये कुछ समय के लिए कुछ शांति महसूस कर रहे हैं। होता है ना कि बच्चे ही तो हैं जो घर में एक रौनक मानते हैं हम। हमारे कितने भी अच्छे कार्य बुरे हों या अच्छे होते हों, लेकिन बच्चों के साथ यदि कुछ समय घुल मिल करके बिता दिया जाए तो सारे डिप्रेशन, सारे तनाव दूर हो जाते हैं। तो ये एक सुखद अनुभूति आपके संतान के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। अब यही सूर्यदेव जहाँ 17 जुलाई का डेट समाप्त होगा, उसी डेट्स के बाद पुनः फिर से ये 17 जुलाई को ही ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके राशि से ठीक अगली राशि है, मतलब आपके राशि से चौथे भाव पर यह स्थान हो गया। सूर्य के लिए कर्क राशि इनके मित्र की राशि होती है। अब एक तरफ तो ये साहस पराक्रम की वृद्धि कर रहे थे, अब यही सूर्यदेव आ जाएंगे कहाँ पर, आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव कौन सा भाव हो गया, चतुर्थ भाव हो गया आपके सुखों का। भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सभी भावों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे चतुर्थ भाव। ऑलरेडी यहाँ पर शुक्राचार्य जी विद्यमान रहेंगे क्या, तो हाँ यहाँ पर शुक्रदेव विद्यमान रहेंगे, लेकिन ये जब बुध देव आएंगे तो ये चले जाए रहेंगे। अब सूर्यदेव अकेले इस भाव पर रहेंगे। अब ये मानिए कि आपके पंचम भाव के स्वामी जब चतुर्थ भाव पर आते हैं तो आपकी बुद्धि कहाँ चली गई, आपकी विद्या कहाँ चली गई, आपके आपका एजुकेशन चतुर्थ में आ गया। मतलब एक तो शांति का माहौल हो सकता है, क्योंकि जिसके राशि पे जा रहे हैं वो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा कौन है, चंद्रमा माँ है, और माँ होने के साथ साथ माँ के समीप जा करके आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हमें शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध माँ से होता है और इस भाव को रिप्रेजेंट करने वाले जो ग्रह बनते हैं यही बनते हैं चंद्रदेव। इसलिए सूर्य का जब यहाँ पर ट्रांजिट होगा तो शांति का वातावरण आप अपने जीवन में देख सकते हैं किसी प्रकार से, क्योंकि ये हमारा परिवार भी है, तो परिवार में शांति का माहौल क्रिएट होना एक विशेष शुभ स्थिति यहाँ पर बनेगा। यदि आप भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन, खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका मन होगा, बुद्धि होगी, यहाँ पर आप परचेस नहीं कर पाएंगे, खरीदने का योग यहाँ पर नहीं बनेगा, परंतु हाँ उस पर मुआयना करना, उसको देखना, समझना कि कहाँ पर प्रॉपर्टी है, मैं अपने प्रॉपर्टी को कैसे सेल कर सकता हूँ या कैसे परचेस कर सकता हूँ, ये दोनों स्थिति यहाँ पर आपको चतुर्थ भाव पर आकर के सूर्य देंगे। अब यही वो भाव है जो आपकी माता का भाव भी होता है, तो इसलिए सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह यदि चतुर्थ में आता है तो किसी कारण से यदि माता के स्वास्थ्य में आपको देखने को मिल रहा था कोई कमी या नरमा गर्मी की स्थिति बन रही थी तो उन्हें भी यहाँ पर शांति की अनुभूति यहाँ पर मिल सकती है। ये हो गया भगवान सूर्य की कृपा। अब यहाँ कोई भी ग्रह यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से ठीक सातवें भाव को देखेंगे ना भाई, तो सूर्य यहाँ से ठीक सातवें भाव को देखेंगे 17 जुलाई के बाद, पूरे इस जुलाई, हाँ पूरे जुलाई महीने तक, 17 जुलाई से लेकर के पूरे इस जुलाई महीने तक, 31 जुलाई तक, तो दशम भाव को देखेंगे सूर्य। दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र को दर्शाता है। जब सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह आपके कर्म क्षेत्र को देखेगा तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सुअवसर देखने को मिल सकता है। किसी प्रकार से भी कार्यों में निरंतर बाधाएं हैं तो सूर्य की प्रकाश, हमने एक वीडियो बनाया था आपने देखा होगा कि सूर्य को हमने सीधा सीधा बनाया हुआ है, मरकरी लाइट के अनुसार सूर्य को माना गया है, क्योंकि बाकी जितने ग्रह हैं सभी ग्रहों को जो रश्मियां प्राप्त होती हैं उन सबको इन्हीं सूर्य के द्वारा होती है, तो आपके कैरियर में ये प्रकाशित करेंगे, क्योंकि यहां पर मरकरी लाइट आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको, ये मरकरी लाइट हो जाएंगे और यहाँ से सूर्य ठीक सामने को देखेंगे तो दशम भाव को यहाँ पर जागृत करने का प्रयास सर्वाधिक करेंगे। इस हिसाब से आपके पंचमेश हैं, इसलिए भगवान सूर्य को सदैव आपको नमस्कार करते हुए, भानु प्रिय नमस्कार कहा गया है, इसलिए भगवान सूर्य को सदैव प्रणाम कीजिए, क्योंकि आपके पंचमेश हैं, आपके प्रारब्ध के फलों को निकाल करके वो आपके जीवन में प्रेषित कर देंगे, ऐसा आपको समझना चाहिए। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अब अगले ग्रह की बात होती है। ये ग्रह होते हैं ग्रहों के सेनानायक मंगल, और विशेष बात तो ये हो गई कि यही तो भाई आपके राशि के स्वामी हैं, आपके राशि से
ही आपके राशि के स्वामी हो जाते हैं। तो राशि के स्वामी मंगल अभी गोचर दौरान कहाँ चल रहे हैं, गोचर के दौरान ये चल रहे हैं पंचम भाव पर, आपके पंचम पर। कब तक रहेंगे, तो 1 जुलाई से 18 अगस्त तक रहेंगे, मतलब इतना लंबा समय पूरे जुलाई महीने में। तो ये मानिए कि पूरे जुलाई के जुलाई महीने में आपके लग्नेश पंचम पर रहेंगे। कितना अच्छा हो गया, ध्यान से समझिए, क्योंकि यही हमारे मतलब हम कहाँ चले गए, लग्नेश कौन हो गया, लग्नेश हम स्वयं हो गए, हमारा शरीर ही लगन हो गया। अब ये लगन का मालिक उठ करके पंचम में गया है, पंचम भाव मतलब आप कहाँ रहेंगे, आप पंचम भाव में रहेंगे, ऐसा समझिए। तो पंचम भाव के सारे एडवांटेज आपको आपके लाइफ में मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे भाई, पंचम भाव हो गया, सबसे पहले तो होगा आपकी बुद्धिमत्ता का। तो हम अपने, यदि आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो एजुकेशन में सफलता का एक संचार दिखेगा आपको, क्योंकि मंगल स्वयं इस भाव पर आ रहे हैं, अपने लग्नेश जा रहे हैं, एजुकेशन में सफलता का प्रसार दिखेगा। साथ में यदि आप कोई दूसरा जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप अन्य कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपके स्किल, जो आपके टैलेंट हैं, आपके स्किल हैं, इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। और माना जाता है कि जिसकी जितनी अधिक ज्ञान होगी वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा शीर्ष पदों पर आसीन होता है। और ये मेष राशि के अनुसार आप इसे समझिए, यही वो भाव है जो संतान पर नियंत्रण के साथ साथ संतान की ग्रोथ के लिए भी आपको प्रदर्शित करता है। तो इस टाइम पर अपने बच्चों के लिए कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हैं इस मंगल के ट्रांजिट के दौरान। मंगल का सीधा सीधा संबंध जब यहां पर होगा तो इनकी 4 दृष्टियां हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4थी दृष्टि इन्हीं मंगल की आ जाएगी आपके अष्टम भाव पर, जो कि उनके स्व राशि की है। तो यहां पर मंगल आकर के थोड़ा बहुत आपको डिप्रेस भी करेंगे, हो सकता है कि अपने संतान को लेकर के आपको चिंता हो जाए, हो सकता है आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो जाए इस जुलाई महीने में, क्योंकि जुलाई भर ये मंगल यहाँ रहेंगे, परंतु चिंता ही सिर्फ देंगे, भूलना नहीं है अभी बाकी ग्रहों का रिजल्ट बचा हुआ है। इसलिए सिर्फ मंगलदेव आपके पंचम पर आए हैं, दृष्टि उनकी है, बाकी स्थिति उनकी अच्छी है। आप ये मानिए कि आप जहाँ पर मौजूद हैं वो स्थान आपका बहुत अधिक कार्य करेगा, न कि आप जहाँ पर आपकी दृष्टि है वहाँ आप कुछ कम कार्य कर पाएंगे। मतलब आप फिजिकल रूप से तो आप यहाँ हैं ना पंचम पे, तो ये भाव तो आपके ड्रीम, आपके डिज़ायरों को पूर्ण करने का है, प्रारब्ध से ईश्वरी कृपा को देने के लिए भी यही स्थान है। इसी मंगल की 1 दृष्टि और पड़ती है जो कि सीधे आपके कहां जाएगी, आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में जब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से शनि बैठे हुए हैं, शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मंगल जब एकादश भाव को देखेंगे, भाई हमारा लग्नेश जब एकादश भाव को देखेगा तो लाभ की अधिकता को बढ़ाने के लिए हमको अग्रसित करेगा, प्रेरित करेगा, भाई अपने जीवन में जाओ, हमको धक्का देगा कि जाओ भाई अपने जीवन में लाभ कैसे प्राप्त होगा इस पर कार्य करो, कैसे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी इस पर आपको कार्य करने के लिए ज़्यादा करेगा। ऑलरेडी यहां पर शनिदेव बैठे हैं, पहले से शनिदेव यहां पर बैठ करके मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। भूलना नहीं है, मंगल हमारे जीवन में ऊर्जा के कारक माने गए हैं, मंगल हमारे जीवन में हिम्मत है हमारे। यदि किसी भी जातक के पास, खासकर मेष राशि के पास जो हिम्मत है, जो साहस है, वो सिर्फ और सिर्फ मंगल के पास है। और यहाँ किसके पास पहुँच, किनके घर पर दृष्टि दे रहे हैं, शनि के साथ दृष्टि दे रहे हैं, मतलब शनि पर मंगल का प्रभाव चढ़ जाएगा। शनि कौन है, शनि हमारे कर्म कारक ग्रह माने गए हैं, भाई हमारे जीवन के, हमारे कैरियर के स्वामी ही शनि देवता बनते हैं, शनि हमारे कर्म कारक हैं। तो कर्म के स्थान पर मंगल की दृष्टि होना, आप ये मानिए हमारे कर्मों में हमें, हमारे कार्य क्षेत्र में एक साहस की अभिवृद्धि आपको देखने को मिलेगी इस टाइम पर, इस पूरे जुलाई के महीने में। और माना जाता है एक साहसी व्यक्ति ही अपने जीवन को ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, जो कभी हार न माने वही तो है आपकी राशि मेष राशि। अब यहाँ से मंगल की बात हो गई, अब मंगल की बात हम लोग देखने का प्रयास करते हैं अगले ग्रह जो होते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध, और इन्हीं बुध को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इन्हीं मंगल ग्रह को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि यही मंगल आपके जीवन में कैसे उन्नति को अग्रसर आपको कर सकते हैं। इसी के बाद हम लोग तुरंत बात करने वाले हैं अब अगले ग्रह की, जिस ग्रह का नाम है बुध। और यही बुध देव जो कि आपके राशि से ठीक ये 3रे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। अब ये कब तक इनका गोचर रहेगा,
तो बुध देव 8/7/2023 तक मिथुन राशि में रहेंगे, मतलब कि मेष राशि से ठीक तीसरे भाव पर इनका गोचर रहेगा। ऑलरेडी हमने बताया कि सूर्य और बुध की युति के कारण बुधादित्य नाम का एक राजयोग बन गया, और इस राजयोग के प्रभाव से यदि आप कोई बेहतरीन डिसीजन लेने का आप सोच रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, आप कन्फ्यूज़न में हैं कि पता नहीं भाई मेरा ये निर्णय सही होगा कि नहीं होगा, आप किसी से पूछ भी रहे हैं क्या मैं ऐसा कार्य कर लूँ, आप सलाह ले रहे हैं क्या मैं ऐसा कार्य कर लूं, तो आप यकीन मानिए कि ये जब 8 जुलाई तक का वो डेट है जो आपके निर्णयों पर भगवान ने आपको मुहर लगा दिया है, आप ऐसा समझिए। हाँ, ये बात जरूरी है भाई कि यदि आप अपने निर्णय पर कायम रहें और उस पर सत्यता से और परिश्रम से उस पर कार्य करते रहें तो आपको सफल होने से भला कौन रोक सकता है। अब यही बुधदेव 8 तारीख के बाद ये फिर से अपने मिथुन राशि को छोड़ करके ये कर्क राशि में चले जाएंगे। डेट को बड़े ध्यान से समझिएगा, 8 जुलाई से 25 जुलाई तक ये बुधदेव जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं आपके चतुर्थ भाव पे रहेंगे। चतुर्थ भाव पर वो आ करके एक प्रकार से आप ये मानिए कि चंद्रमा के घर पर आ करके बुध को कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा बुध के लिए। क्यों भाई? क्योंकि चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अनुकूल नहीं है, दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं। तो इस हेतु, इस कारण भी चतुर्थ भाव के कुछ प्रभाव आपको वहां पर ध्यान देने पड़ेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने से समय बचना होगा, और इसके साथ साथ सुखों में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत आपको कमी दिख जाए। आप कोई, क्योंकि ये हमारे भौतिक सुख संसाधनों को दिखाता है, इसलिए भौतिक सुखों में यदि बढ़ोतरी के लिए आप प्रयासरत हैं तो यहां पर कुछ कमी दिख सकती है। यहां पर हालांकि सूर्य देवता का साथ रहेगा इस भाव पर, फिर भी एक तरफ तो सूर्य यहां पर आकर के अच्छा महसूस कराएंगे, लेकिन यहां पर 25 जुलाई तक का वो समय जब बुध देव एक अनायासी हमारे बुद्धि में एक नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, हम ये सोच सकते हैं कि पता नहीं हमारा अमुक कार्य जो हम करना चाहते हैं वो होगा कि नहीं होगा, एक कंफ्यूजन की स्थिति आपके जीवन पर ला करके खड़ा कर सकता है। अब जैसे ही 25 जुलाई का डेट समाप्त होगा, 25 जुलाई से डेट बड़े ध्यान से समझिएगा, 25 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई से लेकर के पूरे इस महीने के अंत तक ही समझिए, ये पहुंच जाएंगे आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर यही बुध जैसे यहां से यहां पहुंचे और यहां से यहां आए, मतलब पंचम भाव पर आए, पंचम भाव पर जैसे ही ये प्रवेश करेंगे ऑलरेडी पहले से वहां पर मंगलदेव मौजूद रहेंगे। अब ये मानिए, एक तरफ तो बुध आपके पराक्रम के मालिक यहाँ पर आ गए, एक तरफ मंगल आपके लग्नेश के मालिक यहाँ पर रहेंगे ऑलरेडी, मतलब बुध और मंगल दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके पंचम भाव पर। तो एक साथ डेट ध्यान दीजिएगा, 25 जुलाई से जो 5 दिन का डेट बचता है हमारे लिए, इस जुलाई महीने की बात करते हैं, तो वो भी आपके डिसीजन के लिए बहुत अनुकूल होगा, क्योंकि पंचम भाव हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को दर्शाता है, मंगल हमारा साहस है। इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन जब एक संग मिल जाता है तो कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं हम। यदि स्पोर्ट्स में हैं तो खेल कूदों में हमें बढ़ोतरी मिलेगी। इस समय आप देखेंगे आपका शरीर, आपका जो मन है वो अधिकतर युवा अवस्था को हम हैं ऐसा आपको लगेगा, अपने आप को फिट रखने का आप प्रयास करेंगे, मनोरंजन के साधनों पर आप व्यय करेंगे और मनोरंजन पूर्ण अपना समय व्यतीत करने की एक परिभाषा आपके जीवन में आपको दिखती नजर आएगी 25 जुलाई से जुलाई के अंतिम तक। अब इस ग्रह के बाद, बुध देवता के बाद, अब बात करने वाले हैं हम उस ग्रह की जो कि हमारे गुरुदेव हैं, देव गुरु बृहस्पति। इनका प्रभाव आपके जीवन पे, मेष राशि के जीवन पे इतना अधिक बनता है क्योंकि यही तो है आपके भाग्येश, और आपके भाग्येश की स्थिति मतलब हमारा किस्मत कहाँ रहेगा इसका निर्धारण आपके भाग्येश करेंगे, जिनकी स्थिति अभी बनी हुई है आपके लग्न में। जब हमारे किस्मत के मालिक लगन में होते हैं बहुत अच्छा स्थिति से मानेंगे, एक प्रकार से भाग्य हमारा साथ देगा ऐसा मान सकते हैं इस जुलाई के महीने में। भूलना नहीं है कि यही गुरु राहु के साथ में है जो कि चांडाल नाम का एक योग भी बना रहा है, जिसके कारण से हो सकता है हमें ऐसा महसूस भी हो कि हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं, हम जितना प्रयास लगा रहे हैं, भगवान हमें उतने हमें प्राप्त नहीं हो रही है।
जितने के हम लायक हैं, जो हमारा कर्तव्य है, हम सब कुछ वो कर्तव्यों का निर्वहन हम कर रहे हैं, उसके बाद भी वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान, वो भाग्योन्नति हमें प्राप्त नहीं हो रही है, ये आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन भूलना नहीं है, यही गुरुदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं, समस्त भाग्य के नियंता एकमात्र यही गुरुदेव हैं। इसलिए गुरु का सानिध्य आपको सदैव शुभ फलों को आपको प्रदान करने वाला होगा। नवमेश की स्थिति जब लग्न में होती है, इससे अच्छा त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण में यदि उपस्थित हो, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। एक तरफ तो भाई लग्न के स्वामी मंगल आपके पंचम में है और नवम के स्वामी आपके लग्न में है, क्या इससे अच्छा क्या लेंगे। मतलब भाग्य का साथ भी आपको मिल गया, प्रारब्ध का भी साथ मिल गया, और ऊपर से गुरुदेव अर्थात हमारे जीवन में हमारे आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी हमें अग्रसर कराएंगे। एक आत्मदर्शन प्राप्त होना, ये सब कुछ हमें नवम भाव से ही प्राप्त होता है, तो इस हेतु भी आपके लिए अनुकूल है। हाँ, राहु गुरु का कॉम्बिनेशन होने के कारण थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि मेरे जितने मैंने मेहनत किया है, जितने मैंने परिश्रम किया है, अंततः मैं जा करके अंतिम क्षण में मैं वापस आने को मुझे पड़ जाता है, ऐसी कभी कभी सोच मन में जागृत हो सकती है। अब यही इसी को समझिएगा आप कि जब यहाँ पर गुरुदेव राहु के संग में रहेंगे तो चांडाल योग बनाएंगे, तो हमको किसी भी प्रकार से राहु से मुक्त होकर के इस गुरु को बलिष्ठ बनाना है। कैसे बना सकते हैं? तो गुरु को बलिष्ठ बनाने के लिए सबसे उत्तम जो उपाय माना गया है, अपने गुरुवर की सदैव वंदना कीजिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो गुरु जो होते हैं वो हमें सभी हमारे जीवन में जितने ही प्रकार के कष्ट हैं, उन कष्ट से, उन बाधाओं से मुक्ति दिलाने का एक पर्याय ही तो है हमारे गुरु। तो इसलिए अपने गुरु की आराधना की जाए। यदि आपके जीवन में किसी गुरु का समावेश नहीं हुआ है, आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है, तो उस स्थिति में भगवान भोलेनाथ सर्वत्र सारे संसार के गुरु माने जाते हैं, तो उनका कृपा, उनकी आश्रय में रह करके आप इस जुलाई महीने ही क्या पूरे हर दिन को आप अपना श्रेष्ठ मान सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी यही गुरुदेव होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में भी आपकी मेष राशि की कुंडली बनती है, इस हिसाब से भी सदैव ये आपके अनुकूल होंगे। अब एक तो बहुत अच्छा चीज आपको बता रहे हैं, यही गुरु शुक्र के नक्षत्र पर भी आपको ध्यान होगा, और शुक्र के नक्षत्र के अनुसार ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि कोई ग्रह, ध्यान दीजिएगा, कोई ग्रह जिस राशि पर होता है, मतलब कोई ग्रह जिस नक्षत्र पर होता है, उस नक्षत्रों के गुण उस ग्रह पर प्रभावी हो जाता है। इस हिसाब से गुरु भाई शुक्र के राशि में है तो ये शुक्र का भी प्रतिफल देंगे या शुक्र का प्रतिफल ज़्यादा देंगे। तो आपके इस राशि चक्र के अनुसार शुक्र किस भाव के स्वामी हैं, ध्यान से समझिएगा, यही शुक्रदेव आपके राशि के अनुसार सप्तम भाव के स्वामी हैं, और साथ में आपके वित्त मंत्री बनते हैं शुक्राचार्य जी। तो आपके भाग्य के स्वामी जब शुक्र पर होंगे तो एक तो भाग्य का सपोर्ट होना, और दूसरा शुक्राचार्य अर्थात आपके वित्त मंत्री, आपके जो वेल्थ मिनिस्टर हैं, यही शुक्राचार्य हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है कि आर्थिक परिस्थितियों से आपको निजात पाने का कोई सुअवसर प्राप्त हो जाए। हो सकता है कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए, बहुत दिनों से कहीं से धन की प्राप्ति होनी थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी, हो सकता है कि वो प्राप्ति होने का एक सुंदर संकेत आपको प्राप्त हो जाए। यही शुक्राचार्य आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, सप्तम भाव ही तो वो स्थान है जहाँ पर आकर के ये आपके बिजनेस इत्यादि को ग्रोथ करने का ये भाव होता है। परंतु एक बात आपको बताना नहीं भूलेंगे कि ये गुरु जिसके नक्षत्र पे गए हैं शुक्राचार्य, ये शुक्र और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। एक तरफ तो आप ये समझिए कि एक देवताओं के गुरु हैं और दूसरे दानवों के गुरु हैं, दो गुरुओं का आपस में समावेश होना आपके जीवन में कैसा रहेगा। तो ये मानिए कि शुक्र हमारे वित्त मंत्री, देखिए बाकी नेगेटिव बातों को हटा दीजिए, कहते हैं ना, मैं देखूं जिस ओर सखेरी सामने मेरे सांवरिया। तो यदि आपकी दृष्टि, आपकी समझ, आपका हृदय यदि पवित्र है तो सदैव आपको हर विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अच्छी स्थिति ही आपको नज़र में आएगी, और यही नज़र
को समझते हुए हमको ये नहीं देखना है कि शुक्र हमारे लग्नेश के शत्रु हैं कि मित्र हैं। हमें ये समझना है भाई ये हमारे वित्त मंत्री हैं, हमारे वेल्थ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए हमें धन प्रदान करेंगे। और ये गुरुदेव लगभग लगभग अभी 4 महीने तक यहाँ रहने वाले हैं। हमने एक पूर्व में वीडियो बनाया था, आपसे जाकर के देख सकते हैं, उसका मैं सारा डिटेल निकाले हैं। 4 महीने तक अभी रहेंगे, तो हो सकता है इस दरमियान कोई अच्छा खासा धन का सोर्स मिल जाए। किसी प्रकार से कोई कर्जों इत्यादि से आप परेशान हैं तो उसके मुक्ति के लिए भी एक आपको सोर्स मिलेगा। देखिए रातों रात हमारे करोड़ों के कर्जे या हमारे लाखों के कर्जे समाप्त नहीं हो सकते, इसी प्रकार आपको समझना है। लेकिन यदि कोई एक रास्ता भी यदि हमें इस महीने मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, वो रास्ता जो हमें सीधे मंजिल तक ले जा करके हमें छोड़ दे, तो कितना अच्छा होगा। ये स्थिति इस महीने बनने के एक सुयोग बन रहे हैं, आपको ये समझना है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो कि ग्रहों के दंडनायक हैं, भगवान शनिदेव। यही शनिदेव तो हैं जो सारे संसार को उनके कर्मों का प्रतिफल देते हैं। आज आप और हम अपने जिस मुकाम पर भी हैं, इस मुकाम को वंदना कीजिए उन शनिदेव की कि हमने कर्म किया और उसका प्रतिफल उन्होंने दिया। और यही शनिदेव आपके जीवन में एकादश भाव में चल रहे हैं। एकादश भाव वो भाव हो गया जो आपके जीवन में किस भाव को दर्शाता है, आपके लाभ को दर्शाता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है। और भूलना नहीं है यही शनिदेव आपके दशमेश हैं, दशमेश अर्थात आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी ही शनिदेव बनते हैं। तो जितने भी प्रकार के आपके कैरियर में ग्रोथ मिलेगा आपको, वो सब शनिदेवता के हाथ में है। आप ये वैसे तो हर किसी के लिए शनिदेवता कर्म के कारक होते हैं, परंतु भूलना नहीं है ये शनिदेव आपके स्वाभाविक रूप से आपके राशि के अनुसार, आपके कुंडली के अनुसार ये आपके दशमेश हैं। हमेशा कर्मों का लेखा जोखा एक शनि के पास होता है और आपके लिए लाइफ टाइम ये यहीं पर रहने वाले हैं, मतलब इस भाव पर के स्वामी ही रहने वाले हैं। इनका एकादश भाव में गोचर होकर के कैसे आपको लाभ से दूर रख सकता है। आप एकाध हमारे पूर्व वीडियो में कमेंट आया था, एक बहन का कमेंट आया था कि हमारे जीवन में परिवर्तन कब होगा, हम अपने आर्थिक समस्या से दिन रात जूझ रहे हैं, शनि देवता आए तो हैं परंतु फिर भी हमें उसका रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो हम उनसे विनय पूर्वक एक बात कहना चाहते हैं कि ये शनिदेव 2.5 साल के लिए आए हुए हैं आपके एकादश भाव में। मतलब ढाई शनि कैसे ग्रह हैं, शनि हैं सैने विलंब के कारक शनि माने गए हैं, तो इसलिए उनका काम अच्छा भी करना धीरे धीरे है और बुरा भी करना धीरे धीरे है। इसलिए धैर्य रखिए, अपने कर्मों को नित प्रति आप आगे बढ़ाते रहिए, आपका एक एक आंसुओं का हिसाब होगा, आपके एक एक कर्मों का हिसाब होगा, क्योंकि शनि को दंड नायक की भी प्राप्त है। शनि न्यायाधीश है भाई, आप स्वतः विचार कीजिए कि जो न्यायाधीश होते हैं क्या वो हमारे कर्मों को नहीं देखते। एक एक, एक पार्ट को देखा जाता है, एक एक विषय को समझा जाता है कि किसने क्या क्या किया है, और उसके बाद कोई सजा या कोई वरदान दिया जाता है। और यही वरदान स्वरूप शनि देवता आपके एकादश भाव में आए हैं जो कि 2.5 साल तक रहेंगे, आपको लाभ देंगे ही देंगे। कुछ विलम्ब हो सकता है, आप बिल्कुल भी यहाँ पर निराश नहीं होंगे। अब उन ग्रहों की बात करते हैं जो हैं ग्रहों के कलयुग के राजा जिन्हें माना गया है, भगवान राहुदेव। और यही राहुदेव दानव तो हैं परंतु इनके पास वो शक्ति है जो किन्हीं अन्य ग्रहों के पास नहीं है। इन्होंने अमृत का पान किया हुआ है। भगवान विष्णु ने जब अमृत पिला रहे थे भगवान विष्णु, तब इन्होंने वो पान किया था अमृत का, और इसी कारण ये राहुदेव अमर हो गए हैं। भगवान विष्णु ने सिर काट डाला है, उसके बाद भी ये सदैव अमर होकर के हमारे जीवन में अमृत्व को प्रदान करते हैं। राहु को सदैव बुरा ग्रह माना जाता है क्योंकि वो दानव है, परंतु ये नहीं भूलना है राहु ही हमारे जीवन में वो परिवर्तन को दर्शाता है। यदि हम आप और हम यदि कलयुग में वास कर रहे हैं तो कलयुग के राजा इन्हीं राहु को माना गया है। इनकी स्थिति आपके लग्न में इनकी स्थिति बनी हुई है जो कि आपके भाग्येश के साथ है। तो राहु जिनके साथ में बैठते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, तो इसका मतलब गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन आपके लग्न में मिला है। तो लग्न कौन हो गया, हमारा शरीर। तो कोशिश कीजिए कुछ समय के लिए मंदिर देवालय इत्यादि में जाने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए सफलता और सहजता को देने वाले और साथ में बहुत से कार्य आपके जीवन में बनाने वाले यही राहुदेव होंगे।
केतुदेव की बात करते हैं, केतुदेव आपके सप्तम में बैठे हैं, हालांकि यहाँ पर केतुदेव सप्तम में आकर के किसी न किसी प्रकार से आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपके कर्म क्षेत्र में, क्योंकि दशम भाव से दशम भाव होने के कारण आपके करियर में भी कोई बाधा का एक सोर्स बना सकते हैं, कोई केंद्र बनते हैं, परंतु यह बाधा कोई कष्ट बहुत अंगे तक नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक नहीं होगी, परंतु इस केतु के प्रभाव से थोड़ा बहुत हमें इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आप इस केतु को समझ पाए होंगे, यही केतु आपके सप्तम में आकर के एक प्रकार से कोई बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर भी आपका बना सकता है, इस बात को भूलना नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के यदि जुलाई की बात करें तो आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी है, बुध आदि तराजोग का प्रभाव बना हुआ है, सावन के शुभ संचार से भगवान महादेव की कृपा भी मिलने वाली है। कुल मिलाकर के ये महीना एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि प्रगति की ओर हमें अग्रसर कराने वाला ये महीना होगा, और आप इस महीने में उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जो मुकाम को हासिल करना कभी हमारा सपना होता है। अपने हर कार्य के लिए हमको ये ध्यान देना है कि हमें अपने परमात्मा को अपने सामने खड़े कर देना है। जब भगवान को देख करके कोई कार्य किया जाता है तो निरंतर उस कार्य में प्रगति भला कैसे रुक सकती है। उम्मीद है कि आप सबको इसे पसंद किया होगा, आप सबने आपको समझ में आया होगा। यदि आपको आपके इस राशि फल को, इस लग्न फल को यदि आपने समझा है, जाना है, मेरा प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत आसरा होता है हमें आपसे लाइक और कमेंट का, जो हमारा आत्मबल बढ़ाता है, हमें एक ऐसा मोटिवेशन प्रदान करता है जिससे हम अधिकाधिक अपने जीवन को और आपके जीवन को भी लाभान्वित कर पाए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री।